मलिक भैया कहाँ है? मलिक भैया 30 वाला एयर ड्रॉप आया है मलिक भैया, खरीद दीजिएगा। 30 वाला एयर ड्रॉप कहाँ दिखा? रुकिए दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए मलिक भैया। अरे तुम्हारा भी 30 वाला एयर ड्रॉप आ गया। हाँ भैया एयर ड्रॉप आया है, कैसे आया? अच्छा तुम्हारा एयर ड्रॉप कैसे आया? अरे भैया आपने कुछ दिन पहले वो वीडियो डाला था ना, 10 रुपया वाला एक ट्रिक बताया था, उसी को मैंने फॉलो किया और देखिए आ गया। अरे क्या बात है, तुम्हारा भी आ गया। अरे कांग्रेचुलेशन यार, हाथ मिलाओ तुम पहले यार, तुम्हारा भी एयर ड्रॉप आ गया। अभी देखो गाइस इसका मैं एयर ड्रॉप परचेस करने वाला हूँ, ठीक है? एंड देखो आप लोग, ये रियल है, कोई भी फोटो नहीं है, ऐसे मैं किसी का फोटो लगा के नहीं रखा हूँ, आप लोग कन्फर्म दिखा देता हूँ, ठीक है ना? ये रियल अकाउंट है, मतलब इसमें आया देखो 300 डायमंड दे रहा है एंड काफ़ी कुछ दे रहा है। तो मैंने इसका रिडीम कोड डाल दिया, 30 का रिडीम कोड। अगर आप लोगों को भी रिडीम कोड चाहिए तो आप लोग मलिक को फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, मैं देता रहता हूँ, ठीक है? तो अभी इस पर बाई पे क्लिक करेगा एंड तो ये परचेस हो रहा है, ठीक है? पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, तो इधर 300 डायमंड मिल चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है? सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बताएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सब भी की गेमिंग? तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे गाइस मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आज यार वीडियो लेके आ चुका हूँ यार 30 के एयर ड्रॉप के ऊपर वीडियो, क्योंकि यार आप लोगों को पता है कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, क्योंकि यार आप लोगों को पता है कि यार मतलब 30 के एयर ड्रॉप आना कितना ज़्यादा रेयर हो गया और आफ्टर अपडेट तो गाइस इसके मतलब आने का चांसेस ही खत्म हो चुका है। लेकिन गाइस यहाँ पे मैंने एक नया ट्रिक इन्वेंट किया है जिसकी वजह से गाइस आप लोग यहाँ पे 30 के एयर ड्रॉप ला सकते हो भी अपने अकाउंट में, और ये वाला ट्रिक ना गाइस हर फोन में वर्क करता है एंड आपका कोई सा भी डिवाइस हो कोई मैटर नहीं करता है, एंड आपका कोई सा भी आईडी हो कितने लेवल का भी आईडी हो सभी फोन में वर्क करता है, सभी आईडी में वर्क करता है एंड 100% वर्क करता है, ठीक है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो आप लोग समझ ही सकते हो गाइस कि कितना मस्त वीडियो है, आप लोगों को बस एंड तक वीडियो को देखना पड़ेगा जिससे आप लोगों को गाइस यहां पे एक अच्छा खासा ट्रिक पता चलने वाला है जिससे गाइस आप लोग अभी अपने अकाउंट में 30 के एयर ड्रॉप ला सकते हो एंड आप लोगों को भी गाइस यहां पे इस तरह का कुछ एयर ड्रॉप आ सकता है जो गाइस यहां पे मेरा आया है, जबकि गाइस मेरे अकाउंट में आप लोग देख सकते हो कि 2000 से भी ज्यादा डायमंड थे, बट फिर भी गाइस मेरे अकाउंट में गाइस यहां पे 30 का एयर ड्रॉप आया जो कि आना यहां पे इंपॉसिबल के जैसा, आप लोगों को पता है 2100 डायमंड है, समझ लो 2000 भी नहीं 2100 डायमंड है, फिर भी इस अकाउंट में गाइस मेरे को 30 का एयर ड्रॉप आया वो भी बनी MP40 वाला, ठीक है? तो वो कैसे लाना है एंड सब कुछ मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। एंड मैं देख सकते हो गाइस ये मेरा सेकंड अकाउंट है एंड सेकंड अकाउंट में गाइस यहां पे मेरा 30 का एयर ड्रॉप आया है, ठीक है? जबकि गाइस इस अकाउंट में मैं बहुत ज्यादा टॉप अप करता हूं, लिटरली मतलब बहुत ज्यादा ही टॉप अप करता हूं, बट इस अकाउंट में भी अभी मैंने 30 का एयर ड्रॉप लेके आया हूं, ठीक है? एंड ये ट्रिक सभी फोन में वर्क करता है, सभी आईडी में वर्क करता है, नो मैटर गाइस आप लोग देख सकते हो यहां पे भी 30 का एयर ड्रॉप आया है, बट यहां पे थोड़ा कम डायमंड का है, उसके मैटर नहीं करता, ठीक? और इस ट्रिक की सबसे खास बात बता दूं मैं आप लोगों को, इसको आप लोग अनलिमिटेड टाइम ले सकते हो, मतलब कि गाइस अगर आप लोगों ने 1 वीक में एक बार ले लिया तो आप लोगों को मतलब बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिसमें गाइस आप लोग अगर 1 वीक में इसको एक बार ले लेते हो तो फिर आपको दोबारा नहीं आता, या फिर 1 महीने में सिर्फ एक ही बार ले सकते हो, बट यहाँ पे गाइस ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इस ट्रिक से गाइस आप लोग इसको अनलिमिटेड टाइम ले सकते हो, यानी कि गाइस आप लोग मतलब अनलिमिटेड टाइम मतलब कि 1 वीक में कम से कम आप लोग 3 से 4 बार ये वाला एयर ड्रॉप ले सकते हो। और लिटरली गाइस मैंने 2100 डायमंड समथिंग गाइस सिर्फ मैंने एयर ड्रॉप से किया है, यानी कि सिर्फ एयर ड्रॉप परचेस करके मैंने यहाँ पे गाइस 2100 डायमंड किया था और अभी मेरे को फिर से 300 डायमंड वाला एयर ड्रॉप आया जो मैंने आपको पिछले वाले आईडी में दिखाया, तो गाइस यहाँ पे मेरा टोटल डायमंड हो जाएगा कम से कम 2400 से 2500, समझ रहे हो? तो गाइस यहाँ पे गाइस कितनी बड़ी बात होती है आप लोग समझ ही सकते हो। तो यार आप लोगों को गाइस ये वाला ट्रिक अगर जानना है तो वीडियो को बस एंड तक देखना एंड उससे पहले मैं आप जल्दी इसको मैं परचेस कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये जल्दी परचेस हो जाए एंड गाइस अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपके अकाउंट में ऐसे परचेस कर दूं 30 का एयर ड्रॉप अगर आपके भी अकाउंट में आया है तो सिंपली आप लोग कुछ नहीं करना गाइस, कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का यूजर नेम मिल जाएगा, सिंपली आप लोग उस पर क्लिक करना एंड जाके मेरे को फॉलो करके एंड सीधा मैसेज करना, फॉलो करके मैसेज करना, ध्यान रखना क्योंकि अगर आप लोग फॉलो करके मैसेज करोगे तो सबसे ऊपर में यानी सबसे नंबर टॉप पे आपका नाम शो करेगा, ठीक है? तो आप लोग सिंपली जाके फॉलो करके मेरे को मैसेज करो एंड मैं आप लोग को यहाँ पे 30 का एयर ड्रॉप खोल दूंगा रिडीम कोड से, ओके? आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आईडी मैं नहीं लूंगा आप लोग। तो भाई लोग आप लोग ने तो देख ही लिया यहाँ पे गाइस मैंने 3 से 4 आईडी में आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे आईडी पे 30 का एयर ड्रॉप खोल के दिखाया मैंने एंड सभी में मैंने एक ही ट्रिक अप्लाई किया था जो कि मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा इस वीडियो में, ठीक है? तो वीडियो को अभी भी एंड तक देखते रहना, ठीक है? अभी भी वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि आप लोग थोड़ा सा स्किप करोगे और हो सकता है आपका एयर ड्रॉप ना आए, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली कैरेक्टर के सेक्शन में जाना है एंड देन गाइस आपको कुछ ऐसा कैरेक्टर चूज करना है, यानी कि गाइस यहाँ पे जो कोई ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो आप लोग कभी यूज ना किए हो, लाइक आपने कभी उसको यूज ही नहीं किया हो, कभी अभी आप लोग उसको यूज में ना लिए हो,
तो मेरे पास एक कैरेक्टर था गाइस, उसका नाम पलोमा है, जिसको मैंने कभी भी यहाँ की कभी मैंने उसको यूज़ ही नहीं किया, ना ही इसको कभी मैंने कपड़ा पहना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको मतलब ले लेता हूँ एंड आप लोगों को कपड़े कैसे पहनाने वो बता देता हूँ। तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नूब बना देते हैं, यानी कि एकदम ही एडम बना देते हैं, पर आपको ये सब गलती नहीं करना है। आपको गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा कपड़ा पहनाना है जो गाइस फ्री में मिला हो। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था गाइस कि आप लोगों को यहाँ पे फ्री के कपड़े यूज़ करने हैं। आपको फ्री के कपड़े कौन से होंगे, मतलब जो इवेंट वगैरह से फ्री में मिलते हैं ना, वो कपड़े आपको यूज़ करने हैं, ना कि गाइस यहाँ पे कोई भी डायमंड रोल का बंडल्स यूज़ करना। आप लोग गोल्ड रोल का बंडल यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो भी फ्री में है, ठीक है, तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। एंड आप लोग देखो गाइस यहाँ पे मैं मनी हाइस्ट वाला जो आया है ना गाइस, वो पहना देता हूँ, उसको मैं बाल उसका पहना देता हूँ। एंड जो इसका जो टॉप है वो भी मैं थोड़ा दूसरा पहना देता हूँ जो कि फ्री में मिला था। ध्यान रखना गाइस आप लोग को फ्री के कपड़े पहनाने, अगर आप लोग को फ्री के कपड़े नहीं पता तो आप लोग सिंपली जाना एंड गोल्ड रोल से जो लड़की का बंडल है वो निकाल लेना एंड आप लोग उसको पहन लेना, ठीक है। एंड आप लोग को सिंपली कपड़े का मतलब कुछ इस तरह से पहनाने हैं, मैंने आपको बता दिया किस ढंग के कपड़े पहनाने हैं। एंड आप लोगों को गन कलेक्शन में क्या करना है एंड इमोट में क्या करना है वो सब बताऊंगा। आप लोग वीडियो को बिना स्किप के देखना, क्योंकि अगर आप लोग कोई सा भी पार्ट स्किप करते हो तो आप लोग को एयर ड्रॉप नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को बस एंड तक देखना, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, फिर बाद में मत बोलना कि आप लोग मतलब कमेंट मतलब फेक बताते हो ट्रिक, ठीक है। तो आप लोग को कुछ इस तरह का करना है एंड इमोट को आप लोग को कुछ नहीं करना, जैसा इमोट है वैसे रहने देना। एंड बैकपैक जो भी है वो मतलब आपको कुछ ऐसा बैकपैक लगाना जो कि फ्री में मिला हो, ठीक है। अभी सब चीज़ फ्री में नहीं आपको लगाना है, मैं बता दूंगा आप लोगों को कौन कौन सा फ्री में लगाना है, कौन कौन सा क्या लगाना है, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कौन सा क्या लगाना है। तो ये फ्री में आपको बैकपैक लगा लेना है एंड जो पैरासूट का स्किन होता है वो भी फ्री में लगाना है जो कि फ्री में मिलता है। एंड जो होगा सर्फ बोर्ड है उसको तो आप लोगों को पता है, कोई सा भी एक सर्फ बोर्ड लगा लेना, बट वो एनिमेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ्री में क्यों ना हो। अगर वो फ्री का अगर सर्फ बोर्ड है और उसमें एनिमेशन है तो उसको मत लगाना, ठीक है। जो मतलब जिसमें कोई सा भी एनिमेशन नहीं है वो सर्फ बोर्ड लगाना है, जैसे कि मैं ये वाला लगा रहा हूँ सर्फ बोर्ड जिसमें एनिमेशन नहीं है मनी हाइस्ट का, ठीक है। तो एंड जो भी कार की स्किन्स की बात की जाए व्हीकल्स की, तो आप लोग को व्हीकल्स को कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे फुल मैप नहीं खेलेंगे, हम लोग CS रैंक खेलेंगे, तो व्हीकल का कोई यूज़ ही नहीं है। एंड उसके बाद जो गाइस गन स्किन्स की बात आ जाती है, तो गन स्किन्स आप लोग को बता देता हूँ कैसे लगाना है। गन स्किन गाइस आप लोग को कोई सा भी लेजेंडरी गन स्किन्स नहीं लगाना है, आप लोग को बिना लेजेंडरी लगाना है, जिसमें मतलब कि आप लोग का जो किल फीड आता है ना, जैसे कि ड्रैको एके वगैरह नहीं लगाना है, जो कि मतलब लेजेंडरी गन स्किन हो। लेजेंडरी गन आप लोग को मैं बता दिया कि मतलब जो लेजेंडरी गन स्किन होता है जिसमें एक साथ दो एबिलिटी होते हैं, वो गन स्किन्स आपको नहीं लगाने, नॉर्मल गन स्किन्स लगाने जिसमें मतलब एबिलिटी है बट गाइस वहाँ पे वो कोई भी लेजेंडरी गन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को गन कुछ इस तरह से रखना है एंड उसके बाद आप लोग सिंपली सेटिंग में आ जाना है। तो मैं गन को यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, तो अभी मैं आप लोग को सिंपली सेटिंग पे आ जाना है। एंड आप लोग को अल्ट्रा मैक्स में कुछ में भी खेलते हो आप लोग सिंपली स्मूथ में कर लेना। एंड देन गाइस स्मूथ में करने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, एंड आप लोग को यहाँ पे बेसिक पे आ जाना है, ठीक है। बेसिक पे आने के बाद आप लोग को एक बार रिपोर्ट कर देना है, तो गाइस यहाँ पे आप लोग को रिपोर्ट कर देना है। एंड देन रिपोर्ट करने के बाद आप लोग को सिंपली गाइस क्लियर कैच कर देना है। एंड ध्यान रखना गाइस मैं यहाँ पे तीन बार क्लियर कैच कर रहा हूँ, ठीक है, तीन बार क्लियर कैच कर लेना है, उससे पहले एक बार रिपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो आप लोग शुरू से मैं वीडियो को देख लो मैंने क्या क्या किया, ठीक है। स्मूथ पे करना, एंड स्मूथ में करने के बाद एक बार क्लियर वो रिपोर्ट करना, उसके बाद तीन बार क्लियर कैच करके पूरा गेम को रिसेंट से हटा देना, ठीक है। रिसेंट से हटाने के बाद आप लोग को वापस से फ्री फायर को ऑन कर लेना है। एंड फ्री फायर जब तक ऑन कर रहा तब तक आप लोगों को मैं लाइक नहीं करने बोल रहा हूँ, आप लोग मेरा बोले लाइक कर दो, ठीक है, क्योंकि पता है जो लोग लाइक करना रहता है वो लोग कर ही देते, ठीक है। तो आप लोग फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है, सभी लोग यार वीडियो को लाइक कर दो। एंड देखो गाइस पहले ही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को वापस से देख लेना है वीडियो को, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है मतलब कि इससे कोई भी आईडी बैन होगा नहीं। एंड आप लोग यहाँ पे गाइस सबको मतलब आप लोग यार मैं जैसे कर रहा हूँ सेम टू सेम आप लोग वैसे करना, कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक मत करना। अगर कोई भी आप लोग स्टेप छोड़ देते हो तो हो सकता है आपका एयर ड्रॉप ना आए, यार आप लोग मेरे को आके कमेंट करो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना एंड कोई सा भी स्टेप छोड़ना मत। यहाँ तो मेरा फ्री फायर ओपन हो चुका है, तो अभी मैं सिंपली ऑन कर लेता हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे फ्री फायर ऑन करता हूँ एंड वापस से ग्रुप बना लेना है आप लोगों को, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद आप लोगों को CS रैंक करना है एंड स्टार्ट कर देना, ठीक है। और जैसे आप लोग यहाँ पे स्टार्ट करोगे उसके बाद आप लोग का गाइस यहाँ पे जो ट्रिक है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड आपको गाइस ये CS रैंक अच्छे से खेलना है। एंड हो सकता है कि आप लोग बुया ना कर पाओ, ठीक है, बुया ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे MVP रहना है, ठीक है। अगर आप लोग MVP रहते हो उसके बाद आप लोग मैच खत्म होते हो, मैच खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर एयर ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है तो आप लोग यार इसको वापस से ट्राई करो, जैसे कि मैंने बोला कि आप लोग वापस से तीन बार क्लियर कैच करना एंड सेंड रिकॉर्ड करना, उसके बाद आप लोग वापस से यहाँ पे CS रैंक स्टार्ट करना हो जाएगा। यानी कि गाइस जैसे जैसे मैंने स्टेप बताया सेम टू सेम आपको वैसे फॉलो करने हैं, यानी कि आप लोगों गाइस जैसे मैंने बताया सेम टू सेम वैसा कर लेना। एंड आप लोग सिंपली सेटिंग में जाना एंड आप लोग सेटिंग में जाने के
बाद सेंड रिपोर्ट करना, 3 बार फेलियर कैच करना एंड स्मूथ में रखना एंड उसके बाद वापस एक बार गेम रिस्टार्ट कर लेना एंड सीएस रैंक लगा देना, ठीक है। एंड अगर आप लोग सीएस रैंक खेल के वापस आते हो उसके बाद अगर आपका एयर ड्रॉप नहीं आता है तो आप लोग वापस से वही चीज करना एंड वापस से करना, यानी कि आप लोग एक दिन में 3 बार करना, 3 से 4 बार करना, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को नेक्स्ट डे ट्राई करना है, ठीक है। तो होप करते आप लोग समझ गए आप लोग क्या करना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करने से एक दिन में आप लोग 3 बार करो, अगर नहीं आया आपका ड्रॉप तो आप लोग उसके नेक्स्ट दिन ट्राई करो, 100% आपका भी आने लग जाएगा, ठीक है। एंड ऐसा मैंने सभी के साथ करके देखा एंड सभी लोगों का, मेरे सारे दोस्तों का एयर ड्रॉप आया है। तो गाइस आप लोग का भी आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। होप करते आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गया होगा, और अगर थोड़ा सा भी समझ में आया और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो भाई लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।